अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, प्यारे भाइयों और दोस्तों, रमज़ान मुबारक के रोज़े के ख़ात्मे पर अल्लाह तबारक व ताला ने हमें ईद की खुशियां अता की हैं। इस दिन अल्लाह अपने बंदों को इनामात व इकराम से नवाजता है। ईद उल फितर हम कैसे मनाएं, इसके आदाब क्या हैं, ईदगाह जाने से पहले हम क्या करें, ईद की खुशी क्यों अता की गई और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दिन क्या मामूलात थे, आज की इस वीडियो में हम उन तमाम बातों को जानेंगे, तो आखिर तक ज़रूर देखें। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना तशरीफ़ लाए तो उस ज़माना में अहले मदीना ने दो दिन मुकर्रर कर रखे थे जिनमें वो खुशियाँ मनाते और खेल तमाशा करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से पूछा, ये दो दिन कैसे हैं? सहाबा कराम ने अर्ज़ किया, उन अय्याम में हम लोग अहद जाहिलियत के अंदर खुशियां मनाते और खेलते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने तुम्हारे इन दिनों को दो बेहतरीन दिनों में तब्दील फरमा दिया है, यानी ईद उल अज़हा और ईद उल फितर। पहले अम्बिया की उम्मतें भी किसी न किसी शक्ल में ईद मनाया करती थी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की उम्मत उस दिन ईद मनाती थी जिस दिन उनकी तौबा कबूल हुई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्मत उस दिन ईद मनाती थी जिस दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नमरूद की आग से निजात मिली। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम उस दिन ईद मनाती थी जिस दिन उन्हें मछली के पेट से निजात मिली। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की कौम उस रोज़ ईद मनाती थी जिस दिन आसमान से मायदा नाजिल हुआ था। अहले अरब साल में मुख्तलिफ़ त्यौहार मनाते थे जिनमें शराब नोशी, जुआ, शेर व शायरी, रक़्स व सुरूर की महफिलें सजाई जाती थी। ये इस्लाम का बहुत बड़ा फैज़ान है कि उसने मुसलमानों की खुशियां मनाने को एक पाकीज़ा सांचे में ढाल दिया। प्यारे दोस्तों, ईद उल फितर का दिन हर मुसलमान के लिए खुशी और मुसर्रत का दिन होता है। अल्लाह ताला ने ईद की हकीकी खुशी अता फरमाने से पहले रमज़ान के रोज़े फ़र्ज किए, एक माह तक दिन भर खाने पीने से रोका, नफ्स की मखसूस ख्वाहिशात पूरा करने से मना कर दिया और मकसद ये बताया कि तुम परहेजगार हो जाओ। जब अल्लाह ताला के हुक्म को उनके हुकूक व आदाब के साथ पूरा कर दिया तो रोज़ादार के दिल में नूर तक्वा पैदा हो गया। इस अजीम नेमत का शुक्र अदा करने के लिए मुसलमान अजीम इज्तिमा के साथ दो रकात नमाज ईद पढ़कर शुक्र खुदावंदी अदा करता है। गुरबा को सदक़ फ़ितर अदा करके अपने रोज़े की कोताहियों को मिटाने के साथ उन मोहताज अफराद को भी ईद की खुशियों में शरीक करता है। इस हकीकी खुशी का लुत्फ वही खुश नसीब रोज़ेदार जानते हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने रमज़ान के मुकम्मल रोज़े रखने की तौफीक अता फरमाई। इस ईद का नाम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद उल फितर रखा, यानी रोज़ा खोलने की ईद। अब जिस शख्स ने रोज़ा रखा ही नहीं उसे रोज़ा खोलने की क्या खुशी होगी, और दूसरी तरफ अगर रोज़ा रखने वालों ने ईद को अपने नफ्स की नाजायज़ ख्वाहिशात को पूरा करके मनाया तो ये उस बात की अलामत है कि रमज़ान मुबारक के रोज़े रख कर नफ्स की तरबियत में कमी रह गई या ईद की खुशी मनाने वालों का दिल इस नूर तक्वा से बिल्कुल खाली है। लिहाजा जब हमें इस्लाम ने ईद उल फितर की खुशियाँ अता फरमाई तो उन खुशियों को उसी तरह मनाना चाहिए जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशी के ये लम्हात गुजारे। अहादीस की रोशनी में ईद उल फितर के उन आमाल को तरतीब वार जिक्र किया जाता है ताकि हर मुसलमान उनको सुन्नत नबवी समझकर अदा करे, इसलिए कि उनमें से अक्सर काम आम मुसलमान करता है लेकिन जहन में कतन ये नहीं होता कि यह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। ईद के दिन सुबह जल्दी बेदार होना, मिसवाक करना, गुस्ल करना। हज़रत खालिद बिन साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हों से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत शरीफा थी कि ईद उल फितर, यौम नहर, यौम अरफा को गुस्ल फरमाया करते थे। उम्दा कपड़े पहनना जो पास मौजूद हों। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद के दिन खूबसूरत और उम्दा लिबास ज़ेब तन फरमाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी सब्ज़ व सुर्ख धारीदार चादर ओढ़ते। यह चादर यमन की होती जिसे बुर्द यमानी कहा जाता है। ईद के दिन ज़ेब व ज़ीनत और शरीयत के मुआफिक आरइश करना मुस्तहब है। हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, लोग कपड़ों का बहुत अहतमाम करते हैं, हत्ता के बाद कर्ज लेकर नए कपड़े बनवाते हैं, बाज मुस्तार यानी उधार मांगकर पहनते हैं, उसकी भी कोई असल नहीं है बल्कि सुन्नत ये है कि हर शख्स के पास मौजूद कपड़े उनमें से जो अच्छे हैं वो पहने। खुशबू लगाना,
ईदगाह जाने से पहले कोई मीठी चीज़ खाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत करीमा थी कि ईद उल फितर के दिन ईदगाह जाने से पहले चंद खजूरें तनाउल फरमाते थे। उनकी तादाद ताक होती थी, यानी 3, 5, 7 खजूरें। ईदगाह जाने से कबल सदक़े फितर दे देना, ईदगाह जल्दी जाना, ईदगाह में नमाज ईद अदा करना रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक थी कि नमाज ईदगाह यानी मैदान में अदा फरमाते थे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस रास्ते से ईदगाह तशरीफ़ ले जाते उससे वापस तशरीफ़ ना लाते बल्कि दूसरे रास्ते से तशरीफ़ लाते। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईदगाह तक पैदल तशरीफ़ ले जाते, इस पर अमल करना सुन्नत है, बाज़ उलमा ने मुस्तहब कहा है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद उल फितर में ताखीर फरमाते और नमाज ईद उल अज़हा को जल्द अदा फरमाते। ईद उल फितर में रास्ता में चलते वक्त आहिस्ता तकबीर कहना मसनून है, ईद उल अज़हा में बा आवाज़ बुलंद कहना चाहिए। तकबीर के कलमात ये हैं, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को ईद उल फितर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक गुजारने की तौफीक नसीब फरमाए, आमीन। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों को शेयर करें और ऐसे ही मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।